एक आधा मिनट में ज्यादा समय नहीं देना। मैडम मैं यहाँ से बोलती हूँ, मैम इसी सदन में बालिका गृह कांड, बलात्कार कांड जो 37 बच्चियों के साथ हुआ था, मामला उठा था। आज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है कि ना ही सरकार ने उस पर कोई अच्छा कदम लिया, ना ही प्रशासन ने लिया, उसके कारण जो डिमांड हम लोग सदन में रख रहे थे आज उसको दिल्ली साकेत में शिफ्ट कर दिया गया। मैम आपने उस मुद्दे को बहुत गंभीरता से लिया था, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, उन बच्चियों के लिए पूरा सदन गंभीर हुआ। मैम मेरी रिक्वेस्ट है कि 13 और जो संस्थाएं थी जिन पर भी उंगलियां उठ रही है, तो CBI उसकी जांच क्यों नहीं कर रही है। उसके साथ ही मैं आपसे मिली थी, आपने कहा था कि हम सब मिलकर इनिशिएटिव लें, तो मैम जो ये निकल रहा है मैंने खुद जाकर शेल्टर्स में देखा और भी शेल्टर्स की बहुत बुरी हालत है। मैम जो क्राइटेरिया अपनाया गया है उस क्राइटेरिया को एनजीओ नहीं मानते हैं और ना ही प्रशासन और सरकार जिसकी भी हो उसको गंभीरता से लागू करने के लिए उनको कहती है। आश्चर्य की बात है मैम, जो 22,000 का अगर किराए में घर लेना है तो मैम वो 10,000 में कर रहे होते और कह रहे थे एक 1.5 साल से सरकार हमको पैसा नहीं दे रही है। तो ये विचित्र सी बात है कि एनजीओ को 1.5 साल से हर महीने की पेमेंट नहीं मिलती है, उसके बावजूद वो इंटरेस्टेड क्यों रहते हैं शेल्टर हाउस चलाने में। मैम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि ये आज इस 16वीं लोकसभा का अंतिम सेशन है, मैम एक महिला होने के नाते उन बच्चियों की खातिर मैं आपसे आग्रह करूंगी कि ये पूरा सदन इस देश के तमाम जो बालिका गृह और बालक गृह हैं उनकी स्थिति बहुत नाजुक है, कई जगह पे सेक्सुअल हरासमेंट भी होते हैं और उनके साथ एक तरह से काम के लिए भी हरासमेंट होता है। तो मैम प्लीज एक टीम बनाई जाए और एक ऐसी टीम हो जो नॉन पॉलिटिकल हो और वो सारे शेल्टर्स होम की जांच करे। मैम इसके लिए सख्त से सख्त कानून बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे के लिए मुझे वक्त दिया। कल